हेलो एवरीवन, जैसे कि आज संडे 3 पर पहुंच गए हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक लिया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट रह जाता है पूरी यूनिट कंप्लीट करने के बाद भी। तो इसे हम लोग अच्छे से कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। जल्दी से कंप्लीट करने के लिए इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो संडे 3 है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ ये NTA का फेवरेट टॉपिक भी है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले तो है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस दैट आर अकरिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर मंथ जो है साइक्लिक चेंजेस कुछ हो रहे हैं। तो ये हो क्यों रहे हैं? सबसे पहला तो एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि स्पर्म्स का जो काउंट है वो 2 मिलियन है पर एजाकुलेशन, और जो ओवा है वो पर मंथ एक आ रहा है। तो इसके रीजंस क्या हैं? देखिए, एक्चुअली जो स्पर्म्स हैं उनका कोई रोल नहीं है, बस वो रिलीज़ हो रहे हैं। बट ओवा के लिए तैयारियाँ करनी पड़ रही हैं। तो तैयारियाँ करने के लिए ओवा का नंबर कम है और टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है। बहुत सारे ओवा होंगे तो फर्टिलाइज़ हो जाएंगे, तो रखेंगे कहाँ पर? एक चीज़ तो ये आप सेंस लगाइए। दूसरी बात कि इतना ज़्यादा टाइम क्यों है, पूरे 1 मंथ का गैप क्यों है? देखिए, जब कोई हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो हमें उनके आने से पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। अगर नहीं आते तो वो तैयारियों को हमें समेटना भी पड़ता है। तो ऐसे ही ओवा रिलीज़ होगा तो उसके लिए कुछ हम लोग तैयारियाँ करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन ईजिली हो पाए। और अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो उस ओवा के लिए जो तैयारियाँ की गई थी उन्हें वापस से रिमूव करते हैं। देन नेक्स्ट साइकिल का नेक्स्ट ओवा आता है अपनी तैयारियां करवा के। तो इसलिए ये 28 डेज का साइकिल है। अब अगर हम लोग ओवरी से पूछें कि 28 डेज का साइकिल ले रही हैं आप, तो ओवा को रिलीज़ कब करवाएंगी? तो ये कहती हैं, जो 14 डे है मेरा डे ऑफ है, इस दिन मैं ओव्यूलेशन करवाती हूँ, ओवा रिलीज़ करते हैं। और इससे पहले और इसके बाद में तैयारियाँ या तो होती हैं या फिर बिगड़ती हैं। तो अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो रही है फीमेल में, पूरी एज में नहीं हो रही, कंप्लीट एज में स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जो कि हमारी 11 से 14 साल की होती है। प्यूबर्टी पर स्टार्ट हो रही है, इसे हम लोग मेन आर्क कहते हैं। जैसे कि आप लोग कॉलेज अगर जाते हैं तो आप लोग की फ्रेशर्स पार्टी होती है, इसे हम लोग मेन आर्क कहते हैं। वहीं पूरी एज लॉन्ग, इसके हर वक्त पूरी एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, ये 45 to 50 डेज जो ईयर्स की एज है वहाँ तक सीज हो जाती है, बंद हो जाती है, नेचुरली बंद होती है। नेचुरली वो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, इसे हम मेनोपॉज कहते हैं। मतलब आपकी जो फेयरवेल पार्टी है इसे हम मेनोपॉज कहते हैं। फेयरवेल पार्टी हो रही है, फेल नहीं हो रही, ये ध्यान रखिएगा। नेचुरली अगर सीज हो रही है, ये नेचुरली वर्ड आप ध्यान रखिएगा, नेचुरली अगर सीज हो रही है तो इसे हम मेनोपॉज कहते हैं, कोई सर्जरी वगैरह नहीं करवा रहे हैं तो। 45 to 50 की एज में, केज के अराउंड ये हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ फेजेस हैं, किसी भी साइकिल में हम लोग देखते हैं तो कुछ फेजेस होती हैं। इसमें मेनली 3 फेजेस हम लोग डिस्कस करते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 3 to 5 डेज की होती है, फॉलिकुलर या फिर प्रोलीफरेटिव फेज, ल्यूटियल या फिर सिक्रेटरी फेज, इनके दो दो नाम हैं। तो ये ओवरी के रेस्पेक्ट में नाम अलग हैं और यूटरस के रेस्पेक्ट में नाम अलग हैं। देखेंगे हम लोग कि ओवरी के रेस्पेक्ट में नाम इसका कैसे गिवन है और यूटरस के रेस्पेक्ट में कैसे है। ये हमारा यूटरस है। देखिए, ये जो चेंजेस करने हैं, सबको पता है कि जो इनर वॉल है हमारे यूटरस की, वो डेवलप होती है एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए, और फिर नहीं होता इम्प्लांटेशन तो वो शेड हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ यूट्रस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है यहाँ पर। आपको लगता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो पूरी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं इसलिए कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि आपके घर में गेस्ट आते हैं तो अकेले मम्मी काम नहीं करती, सब लोग करते हैं, सेम ऐसे ही फीमेल की पूरी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, इसलिए ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है। तो ये जो यूटरस है इसकी वॉल में चेंजेस होते हैं, जो इनर मोस्ट वॉल है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो एंडोमेट्रियम कहते हैं इसे। ये एंडोमेट्रियम साइक्लिक चेंजेस में आती है, बनती है, ये ग्रो होती है, इम्प्लांटेशन होता है तो इसमें जो जायगोट है उसको स्पेस देती है इम्प्लांटेशन के लिए, और अगर नहीं होता तो ये शेड हो जाती है। मतलब साइक्लिक चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में, मतलब एंडोमेट्रियम जो वॉल है उसमें। इसके अलावा ओवरी क्या बना रही थी? ओवा, और हर महीने एक बना रही है, तो यहाँ पर भी साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं।
बट सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप फीमेल की बॉडी को नोटिस करें तो इसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ से भी हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो कि ओवा के रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ओवा के फॉर्मेशन के लिए, ओवा के रिलीज़ के लिए। तो पिट्यूटरी से हॉर्मोन्स आ रहे हैं बेटा, ओवरी से ओवा आ रहा है, ओवा के साथ साथ ओवरी अकेले सिर्फ ओवा रिलीज़ करने का काम नहीं करती, मल्टीटास्किंग है ये, हॉर्मोन्स भी रिलीज़ करवाती है, यहाँ से आपके हॉर्मोन्स भी रिलीज़ हुए। तो हम लोग हॉर्मोन्स कहाँ से देखेंगे? पिट्यूटरी से। और हॉर्मोन्स कहाँ से आएंगे? ओवरी से। इन दोनों के हॉर्मोन मिलके रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए। इसके अलावा चेंजेस कहाँ आ रहे हैं? ओवा बन रहा है तो ऑब्वियसली टिश्यू में चेंजेस आ रहे हैं ओवरी के। दूसरी बात, यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम में चेंजेस आ रहे हैं ये भी टिश्यू के चेंजेस हैं। तो टिश्यू के चेंजेस कहाँ हुए? हमारे एंडोमेट्रियम में, मतलब यूट्रस में और ओवा में। इन्हीं चीज़ों को हम लोग कैरेक्टर को लेकर कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ग्राफ एनसीईआरटी में गिवन है ना, उसको समझेंगे। ये देखिए एनसीईआरटी के जैसा ये थोड़ा सा ग्राफ है, आपको एनसीईआरटी में ना इधर इन्हें बिन के बारे में नहीं दिया हुआ है, बाकी आप पूरा ये ग्राफ एज इट इज़ सेम है। यहाँ से समझने में थोड़ा सा ईजी होगा। इसमें एक चीज़ आपको और गिवन है, यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है। तो टेम्परेचर उसमें नहीं गिवन है, बट आप समझ लीजिए जनरली नॉर्मल रहता है 14 डे पर, तो हल्का सा कम हो रहा है और बाकी आगे की फेजेस में थोड़ा सा टेम्परेचर स्लाइटली सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बट एनसीईआरटी में आपको टेम्परेचर मेंशन नहीं है, ऐसा कोई लोड लेने वाला भी चीज़ नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले कोई चार्ट को देखने के लिए हम लोग समझ लेते कि कहाँ क्या गिवन है। तो यहाँ पर गोनाडोट्रोपिन हॉर्मोन्स का आपको लेवल दिया हुआ है, मतलब गोनाडोट्रोपिन वही जो पिट्यूटरी से हॉर्मोन्स आ रहे हैं आपके, मतलब पिट्यूटरी क्या क्या करवा रही है। फिर ओवेरियन साइकिल, मतलब ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको यहाँ गिवन है, ओवेरियन हॉर्मोन्स का लेवल ये है। और फिर यूटेराइन साइकिल, मतलब यूटेरस में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसका ग्राफ आपको गिवन है। आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। अब आपको देखना है फेजेस के बारे में। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो फेजेस हैं, तीन फेजेस हैं, सबके रेस्पेक्ट में नाम है, किसके फ्रेम में बैठकर हम देख रहे हैं। तो अगर हम लोग ओवरी से पूछें कि आपकी कौन कौन सी फेजेस हैं, तो वो कहेंगे या तो हम ओवा बनाते हैं, या फिर वो बन जाता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, और नहीं तो डीजनरेट कर देते हैं। ओवरऑल कुछ सेल्स हैं जिन्हें हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, आप लोग ने टीएस ऑफ ओवरी में देखी भी होंगी और ओजेनेसिस के टाइम पर भी समझी होंगी। ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये ओवा इनके अंदर बनता है और रिलीज़ होता है, और फिर जो बचा हुआ स्ट्रक्चर होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है, जो कि हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है सपोर्ट करने के लिए प्रेगनेंसी को, क्योंकि यहाँ पर तो हम सोच के चल रहे हैं ना कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फिर बाद में स्ट्रक्चर बन जाता है ये कॉर्पस ल्यूटियम। ये बात आपको समझ में आई? तो पहले फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो पहले वाली फेज को हम बोल देते हैं फॉलिकुलर फेज। इसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बना है, तो इसके बाद की फेज को हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। अब इसे बोलते हैं ओवरी, आप पूरे टाइम काम करती रहती हैं, कहते हैं 14th डे पर, डे 14th ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मेरा डे ऑफ होता है, यानी कि तब मैं ओव्यूलेशन करवाती हूँ। तो डे ऑफ ओवरी का कब हुआ? 14th डे पर, मतलब ओव्यूलेशन। अब इसके लिए हॉर्मोन कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या ये ओवरी अपने मन से काम करती है, या फिर कुछ हॉर्मोन्स हैं जो कि इसे ट्रिगर करते हैं कि फॉलिकल्स को डेवलप करो, ओवा रिलीज करवाओ? ऑब्वियसली पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड है, सपोर्ट करती है, यानी कि ऑर्डर देती है मेनली। दो हॉर्मोन्स को भेजती है, FSH को और LH को। FSH को इनिशियली थोड़ा सा ज़्यादा भेजती है, बोलती है फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाओ, फॉलिकुलर डेवलपमेंट यहाँ पर होता जा रहा है, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है लेवल। LH का सर्ज आता ही इसलिए है कि ओवा को रिलीज़ करवा दो। ओवा को रिलीज़ करवाने के लिए LH का बहुत हाई पीक आता है। FSH भी ओवा रिलीज़ के टाइम पर बढ़ता है, अपने पीक पर होता है, बट अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए तो क्या रिस्पॉन्सिबल है मेनली ओवा के रिलीज़ के लिए, तो हमारा LH आएगा। LH सर्ज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। इतना आपको समझ में आया? एक बार से इतना सा समराइज़ कीजिए, पिट्यूटरी से आपके LH एंड FSH आए, FSH ने फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाया, LH ने आके एकदम से रिलीज़ करवाया आपका ओवा। अब 14 डे पर ओवा रिलीज़ हो गया। ओवा जैसे रिलीज़ हुआ, इसके बाद में जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया।
अब ये कॉर्पस ल्यूटियम थोड़ा सा डेवलप होगा और ट्राई करेगा कि जो ओवा मेरा गया है, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो फर्टिलाइज हो जाएगा, यानी कि प्रेगनेंसी होगी, यानी कि उसको सपोर्ट करने के लिए मुझे यूटरस की वॉल को मोटा करना है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये कुछ हॉर्मोन्स बनाना स्टार्ट कर देता है। कॉर्पस ल्यूटियम दो हॉर्मोन्स बना रहा है आपके, एक है ईस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरॉन। दो हॉर्मोन्स बना रहा है, ब्लड स्ट्रीम में भर भर के भेज रहा है, जिससे कि जो यूटरस की वॉल है वो मोटी होती जा रही है। अब कुछ दिनों के बाद में इस कॉर्पस ल्यूटियम को खबर मिलती है कि जो ओवा रिलीज करवाया था ना आपने, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसकी डेथ हो गई। कहते जब हमारा ओवा ही नहीं रहा तो हम किसके लिए प्रोजेस्टेरॉन बनाएं? अब ये प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज बंद कर देगा, ये भी डिग्रेड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फिर से कम हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? जहाँ से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, इसके आगे जो जो थिकनेस ऑफ हमारी वॉल बढ़ रही थी वो भी कम हो गई। ये आपको ओवरी के रेस्पेक्ट में इतना समझ आया। अब देखिए जो ओवरी से जो चेंजेस आ रहे थे उससे यूटेराइन वॉल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था। इनिशियली हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं, आफ्टर 14 डे हमने देखा, अब हम इससे पहले का देखते हैं। जैसे ही यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ, जो वॉल है आपकी यूटरस की वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, रप्चर होगी, उसकी ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी और आपका जो फर्स्ट डे मेंसेस का है उस पर ये शट डाउन हो जाएगी, थ्रू वेजाइनल ब्लीडिंग ये रिलीज हो जाएगी, 3 to 4 डेज तक रिलीज होगी। तो यहाँ के बाद जब लेवल कम हुआ, इसके बाद में जो ब्लीडिंग हो रही है आपकी, ये रहा आपका ब्लीडिंग फेज, ये कम होता जा रहा है, इधर आपका ब्लीडिंग फेज है जिसे हम मेंसेस कहते हैं। क्योंकि जब हमने आके यूटरस से पूछा कि आप में कौन कौन सी फेजेस चल रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास 3 फेजेस हैं। एक तो ये कि जब मेरी वॉल टूट रही होती है, तो मैं वहाँ से 1 डे मानकर चलता हूँ और यहाँ पर मेंसेस हो रहा होता है, 3 to 4 डेज का मैं मेंसेस लेकर चलता हूँ, 5 डेज का ले लीजिए। इसके बाद मैं शट डाउन होने के बाद में फिर से प्रोलीफरेट करता हूँ कि नेक्स्ट ओवा आएगा तो मुझे फिर से डेवलप होना है, सेल्स को डिवाइड करता हूँ, डेवलपमेंट कर पाता हूँ। तो इस फेज को मैं बोलता हूँ प्रोलीफरेटिव फेज। मैं वेट करता हूँ ओवा रिलीज हुआ कि नहीं। जब ओवा रिलीज हो जाता है 14 तक मैं प्रोलीफरेट करता हूँ, ओवा रिलीज होने की खुशी में अपनी जो फेज़ है उसको चेंज करता हूँ, कहता हूँ सेक्रेटरी फेज है, क्योंकि यहाँ पर मैं ग्लैंड्स का भी डेवलपमेंट अपनी सेल्स के अंदर स्टार्ट कर देता हूँ। तो ग्लैंडुलर डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, इसके अलावा और मोटी होती जाती है मेरी वॉल। तो ये आप खुद से कर रहे हैं या फिर आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है? ऑब्वियसली जब ओवा रिलीज हो रहा है तो जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के साथ साथ मुझे थोड़ा थोड़ा ईस्ट्रोजन मिल रहा था, जिससे कि मुझे समझ आता जा रहा था कि मुझे डेवलपमेंट करते जाना है। पीक आया तब मुझे समझ आया कि ओव्यूलेशन हो गया है, और फिर थोड़ा सा कम होके फिर वापस से ईस्ट्रोजन ने सपोर्ट किया और फिर प्रोजेस्टेरॉन भी आया, तो मेरी वॉल और मोटी हो गई। मतलब कि पिट्यूटरी सपोर्ट कर रही है आपके ओवरीज को फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए, ओवा रिलीज के लिए, और जो ओवरी के हॉर्मोन्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं यूटेराइन वॉल को डेवलपमेंट के लिए या फिर डिग्रेड होने के लिए। पिट्यूटरी से सिग्नल आ रहे हैं ओवरी को, ओवरी से कुछ हॉर्मोन्स के सिग्नल आ रहे हैं आपके यूटेराइन वॉल को। ये पूरा मैकेनिज्म है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान क्या रखनी है, फर्स्ट तो ये कि ओव्यूलेशन के टाइम पर 3 हॉर्मोन के सर्ज आते हैं, LH का, FSH का और ईस्ट्रोजन का। बट अगर हम रिस्पॉन्सिबल माने कि कौन है रिस्पॉन्सिबल ओव्यूलेशन के लिए, तो वो LH है। सर्ज 3 के आएंगे, ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा ओव्यूलेशन हो कब रहा है, 14 डे पर हो रहा है, मिड ऑफ द साइकिल में हो रहा है। इससे पहले वाली फेज ओवरी के रेस्पेक्ट में फॉलिकुलर है और यूटरस के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो मेंसेस फेज है, इसके बाद में प्रोलीफरेटिव फेज है। वहीं इसके बाद की फेज देखें तो जो हमारी ओवरी है उसके रेस्पेक्ट में ल्यूटियल फेज है, और उसके बाद जो हमारा यूटरस है उसके रेस्पेक्ट में सेक्रेटरी फेज है, क्योंकि वहाँ पर ग्लैंडुलर डेवलपमेंट हो रहा है। तो आपको इनके नेम इनके फंक्शंस के हिसाब से याद हो जाएंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बट एक बार समझने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया है। एक बार से फिर से सम अप कर देते हैं। FSH फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवा रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट ईस्ट्रोजन रिलीज करवा रहा है, जिससे कि यूटराइन वॉल मेंसेस हो रहा है, इसके बाद में फिर से बढ़ रही है।
14 डे पर ओव्यूलेशन हो रहा है, LH, FSH एंड ईस्ट्रोजन तीनों का सर्ज आ रहा है। फिर ओव्यूलेशन के बाद में LH वापस से कम, FSH वापस से कम, ईस्ट्रोजन थोड़ा सा कम। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बना ओव्यूलेशन के बाद में, कॉर्पस ल्यूटियम ने ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फिर से बनाया, ईस्ट्रोजन जो है वो फिर से बढ़ा और प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज हुआ, जिसने वॉल को थिक कर दिया। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम को पता चला कि मेरा ओवा तो मर गया है, वो कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो गया, हार्मोनल रिलीज स्टॉप कर दिया, तो वापस से जो वॉल है वो डिग्रेड हो गई और नेक्स्ट साइकिल की मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इतना आपका सम अप करके है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इतना ही गिवन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे अगर ये बातें समझ में आ गई कुछ कुछ तो। एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी का डायग्राम में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बाकी सब सारी चीज़ें तो ठीक है, प्रॉब्लम आती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ पहचानने में। तो आपको ये बात पता चल गई है कि ईस्ट्रोजन का सर्ज दो बार आता है, तो ये दो बार वाला ग्राफ कौन है? ईस्ट्रोजन। अदरवाइज कोई और हार्मोन ऐसा नहीं है जिसका दो बार सर्ज आ रहा है। तो ये हो गया आपका ईस्ट्रोजन और ये वाला हो गया प्रोजेस्टेरॉन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एंड के डेज में बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम अवेलेबल है। LH सबसे ज़्यादा सर्ज हो रहा है इसका, और इसी के सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। मेंस्ट्रुएशन आपका फेस, इसके बाद में फॉलिकुलर प्रोलीफरेटिव किसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। एक ये आपको टेबल दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, इससे समझने में आपको ईजी होगा। अगर आपको लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम आएगी बोर्ड्स में, तो आप इधर से ईजीली उसे लिख सकते हैं, एज इट इज़ नहीं कॉपी करना है, आप अपनी लैंग्वेज के लिए मैं कह रही हूँ, ये आपको हेल्प कर सकती है। टॉपिक आपका क्लियर हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेसिस इंटू, जैसे ओवा रिलीज होता है ना, उससे पहले के जो आप लोग ने जब वो ओजेनेसिस पढ़ी होगी, तो उसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, जो आसपास की सेल्स मिलकर स्ट्रक्चर बनाती है। तो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में चेंज हो जाता है? हमारा कॉर्पस ल्यूटियम में। ओव्यूलेशन के बाद का जो स्ट्रक्चर बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रीजन फॉर नॉट अकरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ओवा फर्टिलाइज हो जाएगा तो नेक्स्ट मेंसेस नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी वॉल डेवलप होना स्टार्ट होगी। वॉल तो इसीलिए गिर रही है ना, क्योंकि हमारा ओवा बेचारा मर गया। ओवा फर्टिलाइज हो जाएगा तो वॉल हमारी और डेवलप होती जाएगी, यानी कि प्रेगनेंसी होगी। उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले ओवा फर्टिलाइज होगा। तो एक बार से ऑप्शंस देखते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, फर्स्ट ही आंसर दिया हुआ है, बट और ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइपरग्राफिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग, मेंटेन तो तब हो रही है ना जब ओवा फर्टिलाइज हो रहा है। मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स इन ब्लड स्ट्रीम, ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है ये। रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम, ये रीज़न है कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवा रहा है, जिसकी वजह से वॉल थिक है, तो ये सब कुछ। बट डायरेक्ट रीज़न अगर हम दें, जो हमारा मोस्ट लाइकली आपको इधर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो आपका फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं कि मेंसेस नहीं हो रहे हैं, तो वो फिर चीज़ें अलग हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन्फ्लुएंस्ड बाय, कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है? जब ओवा रिलीज हो जाता है। ओवा रिलीज कब होता है? जब LH सर्ज आता है। तो LH सर्ज, LH हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट आपका ये है, थोड़ा मैचिंग टाइप का है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आने लग गए हैं आजकल नीट एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट अकरिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओव्यूलेशन में क्या होता है? FH एंड FSH अटेन्स पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन द सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। FH हार्मोन हमने कोई नहीं पढ़ा, LH होता है इसकी जगह, तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती है। प्रोलीफरेटिव रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। रीजनरेशन होती है बट मायोमेट्रियम नहीं, एंडोमेट्रियम है इधर। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज्ड सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम का जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ सेक्रेटरी फेज होती है उधर हमारे यूट्रस में, और प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन भी बड़ा हुआ होता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम है। ये पॉइंट ठीक लग रहा है। मेंस्ट्रुएशन ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम एंड ओवम नॉट फर्टिलाइज। मायोमेट्रियम नहीं, इधर एंडोमेट्रियम था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो गया।
ऑप्शंस बहुत ठीक थे, बस एफ यहाँ एलएच था, यहाँ एंडोमेट्रियम था, बाकी कुछ ठीक ही थे। तो ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चंस आपको करने हैं। कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई टॉपिक में, इस पूरे टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता सकते हैं। समझ में आ गया हो तो भी कमेंट